ਬੰਟੀ ਉਹ ਦੁੱਬਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬਣ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਬਣਾਤੇ ਰਹਤੇ ਐਡੀਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚਾਇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਕਿਤਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਖਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਲਪਤੀ ਬੰਦੇ ਹਾਂ चार रस्क भी है हमारे पास दस रुपए वाला नहीं सर पैसे की बात नहीं है ये हम नंबर दिशा में खाएंगे ये हम दक्षिण दिशा में ये पूर्व दिशा में और ये पश्चिम दिशा में और फिर गरम गरम चाय गरम चाय की प्याली हो उसको पिलाने वाली हो कैसा था सर अभी रेडी हो चुके हैं और आज हमारा प्लान है बहुत ही अमेजिंग फुटकल मोनेस्ट्री आज हमने करनी है और यहाँ से हम जा रहे हैं पहले पुणे और पुणे लगभग यहाँ से कोई 50 किलोमीटर के आसपास है और रोड जो कंडीशन है वो अगर मैं आज से 2 साल पहले की बात करूँ तो कुछ ख़ास नहीं थी बट अभी कह रहे हैं कि कंडीशन अच्छी है तो आई होप कि बढ़िया रहेगा और अभी जो है बस निकल रहे हैं सुबह के 6 बजे हैं 6:30 बज चुके हैं ना 6:30 बज चुके हैं और चाय पी रहे हैं और बस निकल रहे हैं 7 बजे निकल लेंगे लगभग 2 घंटे का रास्ता बताते हैं 3 घंटे हम मान के चल रहे हैं और फिर उसके बाद 1.5 घंटे का ट्रैक है तो फटाफट अपनी चाय को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं सीधा बाइक पर सामने देखो कितना बादल देखो कैसे हो फोटो लो यार और ये हुई दिन की शुरुआत फोटो के साथ चारों की फोटो हमारी कितनी घट है फोटो बोधा जी रेडी स्वामी जी रेडी तरुण जी भी रेडी हमारी बाइक्स भी रेडी एंड ये है हमारा गेस्ट हाउस वेलकम गेस्ट हाउस और इस पे नंबर भी दिया हुआ है तो आप इसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बहुत बढ़िया गेस्ट हाउस है और अभी निकलते हैं यहाँ से चलो निकलते हैं अभी यहाँ से सो फॉर यार सुबह सुबह हमने ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर कर दिया है और अभी ना बाइक्स के पीछे बैग वगैरह थोड़े ढीले हो गए हैं इनको ठीक कर रहे हैं और कॉफी बनाएंगे यहाँ पर तेल पे मिल रहा है और 10 लीटर वाली कैन ले दी है वो तो दी होनी है सो आज आपको हम चाय पिलाएंगे कॉफी पिलाएंगे स्वामी जी के किचन की क्या बात है सर मुझे पूरा जुगाड़ लेके आए हैं सर वो ऑन कर रहे हो क्या वो कहाँ है क्या वो क्या वो स्पीकर लाओ ये पानी पर वो साइड में होगा तो गाने भी सुनाते हैं आपको लो सर हो गया ये लपता चलाओ सर हमें की करेगा ते फादर बंदा भाई पहला फिर मैंने क्या ना की कर कॉफी पाओ बुलंद थोड़ा बाल टूटदा फिर अरे बाल दे आ हलाए करना तू ओए हिलो रिया डेल मोंटे की तरफ से आप सभी बह बह गड्डियां चलती यार पीलियां दी ये अमेजिंग सा नज़ारा और ये कॉफ़ी सो हमारी कॉफ़ी रेडी है स्वामी जी की स्पेशल कॉफ़ी ये कैरमल है बोधा जी की तरफ से क्या
चलिए कॉफी का एंजॉय करते हैं और निकलते हैं फिर यहाँ से। Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me fucked up. गरम करके ब्रेड बना लो और क्या बन सकता है, फ्राइड राइस बन सकते हैं, ब्रेड टोस्ट देना, ब्रेड टोस्ट देना और चाय देना। सो यार अभी हम हैं पुणे और लगभग 11:30 बज चुके हैं पुणे पहुँचते पहुँचते, और अभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे अच्छे से क्योंकि सुबह से चाय पी है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे होम स्टे मिल जाएंगे, बहुत सारे से मेरा मतलब है कि आपको 3-4 होम स्टे मिल जाएंगे यहाँ पर, और साथ ही आपको कैंपिंग साइट वगैरह मिल जाएगी। और यहाँ से आप फुटका मॉनेस्ट्री अगर जाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ से लगभग आपको 2 किलोमीटर तक आपको रोड मिलेगा जहाँ तक आप गाड़ी ले जा सकते हैं या फिर बाइक ले जा सकते हैं, और उसके बाद आपको पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पर अपना ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर उसके बाद निकलते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट मैगी चाय पुणे की, और पुणे की चाय। आज ये तीसरी चाय है। सबसे पहले तो हमने पदुमे चाय पी, उसके बाद स्वामी जी के हाथ की, और अभी मज़ा आ गया। धूप अच्छी है तो अच्छा लग रहा है। Man, there's no control in me, my thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know, my wrath, my blood boils over like, oh God, here goes, I lost all feeling from my head to my toes, you said. So, हम अपना ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं अभी, और लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद आपको यहाँ पर एक रेस्टोरेंट मिलेगा और अपनी बाइक्स वगैरह भी पार्क कर सकते हैं, और उससे आगे आपको पैदल ही चलना है। पानी वगैरह साथ लेके चलिए और धीरे धीरे चलिए ताकि ट्रैक जो है वो आप पूरा कर पाएँ और जल्दी कर पाएँ। सांस चल रही है। ये पानी इतना साफ है ना कि नीचे तक के जो पत्थर है ना वो भी आप देख सकते हैं, बहुत क्लियर है। बट वीडियो पता नहीं साइड जस्टिफाइड हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और यार ट्रैक में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। अभी पानी था हमारे पास, शुक्र है आपकी पानी जरूर लेके आई है, अदरवाइज बहुत दिक्कत आई है। नज़ारे एकदम से आपको 70-80 डिग्री पे नीचे उतरना पड़ता है, और फिर उस एकदम से ही आपको इतना ही ऊपर चढ़ना पड़ता है, बार बार ये ऊपर नीचे चढ़ के हालत ख़राब हो गई। साला सब कुछ वो तो दिख ही नहीं रहे। स्वामी जी चलेंगे होंगे वापस, ऐसे लग रहा है। काफ़ी देर में देखा मैंने बट नहीं दिखा। ट्रैक के नज़ारे बहुत बेहतरीन है, लेकिन उतना ही डिफ़िकल्ट ये ट्रैक है। तो अगर आपकी सांस वाँस फूलती है या आपको चलने में दिक्कत होती है तो थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है।
और अभी तक इस ट्रैक का कोई व्हीकल से अप्रोच नहीं है, आपको पैदल ही जाना पड़ता है। बट आई थिंक कुछ सालों में रोड कनेक्टिविटी हो ही जाएगी यहाँ तक। बहुत डिफ़िकल्ट है यहाँ तक कुछ भी पहुँचाना। अभी शरीर को थोड़ी सी नींद आ रही है। ये है हमारे सामने फुक्तो मॉनेस्ट्री, जो कि देखने के लिए बहुत टाइम से इंतज़ार किया है और बहुत अच्छा भी लग रहा है अभी है? और सामने की तरफ देखेंगे यहाँ पर एक गांव है और उसको क्रॉस कर कैसे करते होंगे लोग मुझे नहीं पता। आई थिंक नीचे जो ब्रिज आया था वहीं से क्रॉस करते हैं और फिर यहाँ पर आते हैं। और ये भी अभी पूरा एकदम स्टेप ऊपर चढ़ना है हमें। और मॉनेस्ट्री के लोग बता रहे थे कि आपको जब अंदर जाएंगे तो भी बिल्कुल आपको स्ट्रेट ऊपर जाना है, तो अमेजिंग है नज़ारे। बहुत टफ हो गया यार। अभी ऑलमोस्ट 3 बज चुके हैं और 400-500 meters के आसपास है हमारा जो पॉइंट है जहाँ से मैं बाइक खड़ी की थी। और यार बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैक है बट थक जाते हैं। क्योंकि ना आप ये देखो कि जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ट्रेल, बिल्कुल साइज समझ में नहीं आएगा बट आप मान के चलिए कि 70-80 degrees का ये स्लोप है जो कि बिल्कुल नीचे की तरफ जाता है। अगर आपको ट्रेल नीचे दिख रहा हो इस टाइप से, यहाँ पर पूरा ऊपर कभी नीचे, और आने में भी हालत ख़राब होगी अब जाने में भी, पर मज़ा बहुत आया। तो कुछ अच्छा देखने के लिए, कुछ अच्छा पाने के लिए
थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो झेलनी पड़ती है यार। ये देखो जी मनोरंजन, वाह गजब। इसके नीचे जाएंगे आज रात, हम स्टे करेंगे। इसको बोलते हैं गोमोरंजन माउंटेन। चेक कर, सर आज के लिए हमारा ये टेंट है और हम हैं बिल्कुल गोमोरंजन में। गोमोरंजन के बिल्कुल पास में टेंट का नाम आजू टेंट है। और यार हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होगी मेरी, थोड़ी तबीयत ना, मतलब आज दिन में बहुत ज़्यादा टफ, हमने फुकटल मोनेस्ट्री में जो चढ़ाई की वो बहुत ज़्यादा टफ थी यार। उसके कारण से ना बिल्कुल सिर दर्द करने लग गया, सबका ही कर रहा था, मेरा ज़्यादा करने लग गया, तो उस वजह से थोड़ी दिक्कत होगी। बट अभी थोड़ा सा ना खाना खा के दवाई वगैरह लूँगा। और बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है, चलिए कोई बात नहीं, सुबह तक ठीक हो जाऊँगा। और आई होप कि आपने जो मेरी वीडियो है, इस आज की वीडियो को एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। ट्रैवल मोर, ड्रीम ऑन, फाइंड योर पर्पस। बहुत दिक्कत है यार, अब चलिए मिलते हैं कल सुबह फ्रेशनेस के साथ। तालियां तालियां तालियां। फोटो खींचना जी। ये